नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। दिन की तमाम बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम पांच एंकर। बिल्कुल, देखिए राजनीति से बड़ी खबर आज ये होगी कि प्रियंका गांधी से यूपी पुलिस क्यों सोशल मीडिया पर उलझ गई, बताएंगे आपको विस्तार से जी। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बारिश पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर आफत मचा रही है, पूरी खबर होगी आगे। बिल्कुल आदर्श, और अपराध जगत की भी खबरों के साथ साथ ये भी दिखाएंगे आपको कि देश के किन किन हिस्सों में नेताजी गुंडागर्दी पर उतारू है। तो चलिए पंचनामा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कैलाश विजयवर्गीय के बल्ला मार विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को आज जमानत मिल गई है। दो मामलों में आकाश विजयवर्गीय को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली। आपको याद दिला दें, उन पर दो मामले थे, एक मामला बिना इजाजत प्रदर्शन करने का था और दूसरा मामला बल्ले से पिटाई वाला था। दोनों में उन्हें जमानत मिल गई है। और इस बीच ब्रजेश हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। ब्रजेश, आखिर किस आधार पर यह जमानत मिली है, क्या कहा गया अदालत में? देखिए, अदालत ने सबसे पहले यही कहा कि जिन सारे मामलों में मामले दर्ज हैं आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ, वो सारे जमानत वाले हैं, तो जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो देरी हुई उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो केस डायरी थी उसको आने में काफ़ी वक्त लगा। 1 बजे के आसपास केस डायरी आई, उसके बाद उस केस डायरी का अध्ययन करने के बाद मजिस्ट्रेट ने 4 बजे दोनों पक्षों को बुलाया और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों मामले में, एक पिटाई वाला मामला, दूसरा जो बिना इजाजत प्रदर्शन वाला मामला था, दोनों मामलों में 20,000 के निजी मुचलके भरने के बाद आकाश विजयवर्गीय को रिहाई दी जाए। तो अब तो चूंकि शाम हो गई है तो आकाश विजयवर्गीय को आज तो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, आज की रात और जेल में काटनी पड़ेगी और कल किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। मगर कैलाश विजयवर्गीय, उनके समर्थकों के लिए राहत की बात यही कि उनका बेटा जो इस मामले में जेल में बंद था, उसको जमानत भोपाल की विशेष अदालत ने दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत यकीनन ये आकाश विजयवर्गीय के लिए, क्योंकि एक से मामला बढ़कर दो हो गया था और दोनों मामलों में जमानत मिल गई।